गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल लाइव, वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। जैसे कि हम लोग आपको देते हैं 7 AM पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट और हिंदी MCQ के नाम से, हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहाँ 120 प्लस वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ जाके विजिट कर लेना और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव कैसे लिखते हैं? प्रादुर्भाव लिखा जाता है इस तरीके से, प्रादुर्भाव, जहाँ पे रा का साउंड आए, रा का जहाँ साउंड आए ना, तो उससे अगले वाले बर्ड पे रा लगाया जाता है। प्रादुर, दा के बाद आ रहा है ना र, तो भा पे चढ़ेगा, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। हिंदी में, भारत में हिंदी भाषी राज्य ये हैं 10। कितने? 10। और कुछ चीज़ याद रखो, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये फारसी का है। किस भाषा का है? फारसी। किस शब्द से बना है हिंदी? सिंधी से बना है, ठीक है। और हिंदी से रिलेटेड आकृति कैसी है इसकी? सिलिष्ट योगात्मक है। हिंदी की कैसी आकृति है? सिलिष्ट योगात्मक, ये पूछा गया है, योगात्मक। और ये भी पूछा गया है कि किस भाषा परिवार की है ये भाषा, किस परिवार की? तो ये भारोपीय की, भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी, ठीक है, इतना याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें था पगडंडियों का जमाना, जो मैं कह रहा था ना डंडी किस में मारते हैं, कुबेर जो खाता है, तो वो कुबेरनाथ नहीं था उसका, कुबेरनाथ उसका आंसर नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में और कोई था ही नहीं। ऑप्शन के अंदर आपने भी कल देखा होगा कि हर शंकर परसाई नहीं है, तो ये सत्येंद्र जी इन्होंने सही बताया, फिर मैंने चेक किया है गूगल पर, तो इस पगडंडियों का जमाना का सही क्या होगा आंसर, ये किसकी है? हर शंकर परसाई जी की है। तो उसे थोड़ा कल के को करेक्ट कर लेना और उसके लिए दिल से सॉरी, और आगे अगर ऐसी कोई भूल होती है या कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसे अगली वीडियो में सही करा दूंगा। तो कंटिन्यू वीडियो देखा करो आप लोग, ठीक है, और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और हो सके तो दोस्तों में शेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरंभ से अंत तक। आरंभ से अंत तक के लिए कहते हैं अधोपंत। क्या कहते हैं? अधोपंत। जो मापा ना जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय, और जो मापा जा सके उसे कहेंगे परिमेय, ठीक है, और जो न मापा न जा सके वो होगा अपरिमेय, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बाल धन ई, बाल धन ई बाली, तो ई प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं आपके? कृत और तद्धित। कृत के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, और तद्धित के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। और कृत प्रत्यय होते कितने हैं आपके? 28 होते हैं टोटल, इतना याद रख लेना। कृत प्रत्यय किस में लगते हैं? क्रिया में लगते हैं। क्रिया नहीं दे रखा होगा तो धातु दे रखा होगा ऑप्शन में, धातु में लगते हैं। और ये किस में लगते हैं? तद्धित संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं, ठीक है। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के आदि, शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय। और ये प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द नहीं होते, ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्दांश, इतना याद रख लेना। एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता पेपर में। अत्यंत, अतिधन अंत क्या हो जाएगा? अति धन अंत, ये हो जाएगा इसका, याद रखो। या और बा से पहले कभी भी अर्ध स्वर आए, अर्ध स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, अर्ध वर्ण आए, ऐसे याद हो, कोई भी आधा आए, या और बा से पहले कोई भी आधा आए तो वो क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि। और या और बा क्या होते हैं? ये अर्ध स्वर होते हैं, इन चीज़ों को याद रखना। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? अर्ध स्वर बोलते हैं। संस्कृत में लिखोगे तो य व र ल लिखोगे, और हिंदी में लिखोगे तो य र ल व, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये अंतर होता है। संस्कृत में तो या व र ल होता है और हिंदी में य र ल व होता है, ठीक है, इतना याद रख लेना। तो इसका क्या हो जाएगा? अतिधन अंत। और संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। और संधि समधंधि, संधि शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, समधंधि, इतना याद रखना। और संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, इतना ज़्यादा। अब और कुछ इसमें बचा नहीं बताने लायक। जगदीश क्या हो जाएगा? जगत धन ईश, जगत धन ईश, तो कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। निरोग ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि कौन सी संधि होगी निरोग में, 61। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी किसकी है? साहित्य लहरी है आपके सूरदास जी की। किसकी है? सूरदास जी की। तो और कुछ हैं उन्हें याद कर लो। देख एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, सूरदास जी की ना ज़्यादातर सासें हैं। एक तो साहित्य लहरी तो आपने ये देख ही ली,
और एक है सूरदास इनकी, और एक है सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सारावली, और भ्रमर गीत है और सूर सागर, भ्रमर गीत और सूर सागर, याद कर लेना ये, ठीक है। और अगर अब बात करें हम किसकी, तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी की कौन कौन सी है? मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली और हनुमान बाहुक, इन्हें लिख लेना। ये किसकी बताई मैंने आपको? ये बताई है तुलसीदास जी की, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के साथ, आकाशदीप किसकी रचना है? तो आकाशदीप रचना है, आकाश दीपक कहाँ जलता है? दीपक जलता है जैसे चंद्रमा है ना, उस पर हल्का सा इस तरीके स्टार सा दिखता है ना, तो उसे दीपक समझ लो, तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो इनकी इंपॉर्टेंट है वो है कामायनी, कामायनी, ये तो याद रखनी है आपको इनकी, ठीक है। और बाकी याद रख सकते हो तो कंकाल तितली, आंसू लहर झरना, ये भी याद रख लो। आंसू है इनकी, झरना है, लहर है, जन्मे जन्मे का नाग यज्ञ है, तितली है, एरावती है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी बहुत पूछी जाती है, इसे और लिख लो, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी याद रख लो, और कामायनी, कामायनी ध्रुव स्वामिनी, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, इस तरीके से याद रख लो। और ममता आंसू, ममता आंसू, ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इरावती, इतना याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कौन सी है? निराला जी का पूरा नाम तो मैंने बताई दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनकी देखो जो लिखा देता हूँ मैं आपको, पहले तो याद रखो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास मत कर देना, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल की है, गोस्वामी तुलसीदास किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। और केवल तुलसीदास आ जाए तो वो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। चतुर चमार, कौन सा? चतुरी चमार, चतुरी चमार, ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। माधुरी सरोज मतवाला अप्सरा, माधुरी सरोज मतवाला अप्सरा, स्मृति अनामिका, तोड़ती पत्थर, बिच्छुक, ये इतनी सारी जो मैंने बताई ये सब किसकी हैं? ये सब है निराला जी की। और मुंशी प्रेमचंद जी की एक बार सुन लो आप लोग, ये है पंच परमेश्वर, पूछ की रात, गोदान गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, निर्मला, इनकी जो इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं आपको, गोदान गबन, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र बहुत पूछी जाती है कि अधूरा उपन्यास कौन सा है इनका, तो ये मंगलसूत्र है इनका, ये चीज़ याद रखना, सेवा सदन। और इनकी जो बहुत ज़्यादा एक और पूछी जो जाती है निर्मला, कि निर्मला किसकी, याद है ऐसे लोगों, प्रेम कैसा होता है? निर्मल होता है। प्रेम कैसा होता है? निर्मल प्रेम होता है, ठीक है। ईदगाह, रंगभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब इन्हीं की हैं। आप लोग कहते हो ना करा दिया करो सर ये रचना है, तो इसीलिए आज ज़्यादा करा दिए। देखो मैंने बताया था ना, सुरेंद्र में कौन सी संधि होगी? कैसी मात्रा? एक, एक मात्रा अगर होती है तो एक गुण सम में होता है, एक क्या होता है? गुण सम में होता है, तो एक से ज़्यादा हो जाएगी तो वृद्धि, तो इसमें है एक, तो कौन सी हो जाएगी? गुण स्व संधि, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, उसे कहेंगे सुरेंद्र, ठीक है। मनोज किसका पर्यायवाची है? मनोज, मनमत, मदन, कामदेव, काम, ये सब किसके हैं? ये सब हैं आपके कामदेव के। कमल का क्या हो जाए? जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, तोय, बार, अम्ब, नीर, जल, इन सब के पीछे जा लगा दो, तोयज, बारज, अम्बुज, नीरज, जलज, तो ये सब किसके हो जाते हैं? कमल के हो जाते हैं, ठीक है। और दा लगा दोगे तो बादल के हो जाएंगे, धा लगा दोगे तो ये समुद्र के हो जाएंगे, ठीक, इतना याद रखना। अब जैसे बादल दे रखा है ना, तो इन सब के पीछे तोय, बार, अम्ब, नीर, जल, इनके पीछे ना दादा लगा दो तो ये सब बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। श्रवण का सही संधि विच्छेद होगा श्रोधन अन, क्या हो जाएगा? श्रोधन अन, ठीक है। और ये कौन सी हो जाएगी? अयादि हो जाएगी, आधे आधे सर संधि, और इसमें ना तीन तीन वाले शब्द होते हैं, तीन तीन पेयर वाले। मगर कल एक क्वेश्चन आया, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा मेरे को विधायक का, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया इसमें, क्योंकि मैंने हमेशा पढ़ा कि तीन तीन वाले शब्द होते हैं, अब इसमें तीन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। मगर ये भी आपका क्या है? अयादि सर संधि, कौन सा? ये विधायिका, विधायक, ये होते हैं आपके अयाद सर संधि। तो विधायिका का क्या बनाएगा? तो विधेय धन एका, विधेय धन एका, और विधायक होता तो बन जाता विधेय धन अक, तो इसे याद रखना कि इसे थोड़ा अपवाद टाइप ले लो कि विधायक आ जाए, विधायक और विधायिका,
विधायक और विधायिका, ये भी आपके क्या है, अयाध्य स्वर संधि, इन्हें याद कर लेना बस थोड़ा सा, एक तरीके से इसे अपवाद टाइप में लिख लो अपनी कॉपी में कहीं नोट, कि विधायक और विधायिका आ जाए तो ये भी क्या है, अयाध्य स्वर संधि, क्योंकि ये पूछ रहा है और कल पेपर में ही था एक, तो वहाँ से ही पूछा गया है, ठीक है, तो इसे याद रखना। मनह धन बल, मनह धन बल क्या हो जाएगा, मनोबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोबल, इस तरीके से कभी आ जाए ना तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग में बदल देते हैं, ठीक है, तो मनोबल हो जाएगा इसे। नेक्स्ट प्रेम सागर, तो क्या हो जाएगा, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर, तो विभक्ति क्या है इसमें, ये है आपकी का, तो क्या हो जाएगा, प्रेम का सागर, संबंध तत्पुरुष, और आठ वैसे कारक चिन्ह होते हैं मगर तत्पुरुष समास में आप कितने यूज करते हैं, छः, ठीक है। तत्पुरुष समास दो तरीके का होता है, समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण, समानाधिकरण के भी दो वे दो जाते हैं फिर, एक तो हो जाएगा आपका कौन सा, कर्मधार है, और एक हो जाएगा द्विग, ठीक है, याद रखना। और व्याधिकरण के अंदर क्या आता है, ये छः कारक चिन्ह, इतना याद रख लेना। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, बहुब्री समास में अन्य पद प्रधान होता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और कल राघवेंद्र जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, किसने, राघवेंद्र जी ने, कि कौन से शब्द स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते, तो वो हो जाएंगे योग रूढ़, क्या हो जाएगा, योग रूढ़, कौन से शब्द स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते, इस चीज़ को आप भी सर्च करना, वैसे मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका योग रूढ़ है, ठीक है। यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, तो जहाँ पे भी पहले उपसर्ग लग रहा हो, अव्यय हो, द्विरुक्ति हो, द्विरुक्ति हो जाए, आज आज, कल कल, संज्ञा संज्ञा, दोनों संज्ञा हो इस तरीके से आप, या जहाँ उनका क्या ना बने, बहुवचन ना बने, जिस का एग्जाम्पल का बहुवचन ना बने, तो वहाँ सब क्या होगा, अव्ययीभाव होगा, पहला पद प्रधान या पूर्व पद प्रधान होता है इसका, ठीक है। और समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम होता है व्यास, और पदों की प्रधानता के आधार पर समास होते हैं चार प्रकार के, वैसे हिंदी में आपके समास हैं छह प्रकार के। द्वंद्व समास में आपका और चिन्ह का लोप हो जाता है, बीच में योजक चिन्ह होता है, और दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है, इसे याद रखना। और द्वंद्व समास में लिखने को बहुत आता है शुद्ध, तो शुद्ध लिखा हुआ है ये द्वंद्व, द्वंद्व इसी तरीके से शुद्ध लिखेंगे, श्रृंगार इस तरीके से शुद्ध लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ, रेडियो लिख देते हैं बहुत सारे लोग, रेडियो होता है, क्या होगा, रेडियो होगा, और बहुत सारे लोग इसकी जगह यो लिख देते हैं, तो यो मत कर देना कभी, गलत हो जाएगा, ठीक है। और वो देखा है आपने रोज, रोज, ये रोज वाला रोज, अगर देखो एक होता है ये वाला रोज, गुलाब होता है ना, उसे कहते हैं रोज, उस ये जो रोज है ना, ये तो डेली वाला रोज है, और अगर इसके नीचे नुक्ता लगा दिया जाए तो ये वाला रोज, रोज, ज, ज पढ़ा जाएगा इसे, ज, ज, इस तरीके से याद रखना इसे, है ना, कल ही पढ़ा मैंने कि रोज को इस तरीके से लिखते हैं, तो गलत कर सकते हो आप लोग भी। अवरोध का विपरीत अर्थ क्या होगा, अनवरोध, क्या होगा, अन अवरोध, ठीक है। नेक्स्ट, जो आकाश में विचरण करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, खेचर, क्या कहेंगे, खेचर। अब ये निशाचर और रजनीचर, मैंने कहा था ना निशा और रजनी किसका है, रात्रि के पर्यायवाची, रात्रि के पर्यायवाची में अगर प्लस चर लग रहा है तो ये किसके हो जाएंगे, राक्षस के हो जाएंगे, अगर रात्रि के पर्यायवाचियों में प्लस कर लग रहा है तो ये किसके हो जाते हैं, चंद्रमा के। मैं अगर यहाँ लगा दूँ रजनी कर, निशा कर, तो वो किसके हो जाएंगे, चंद्रमा के हो जाएंगे, अगर ये चर चर लग रहा है तो किसके हो जाएंगे, राक्षस के हो जाएंगे, इन चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, परिच्छन छेद, परिच्छेद क्या हो जाएगा, परिच्छेद, मैंने कहा था ना जब चा के बाद छा आता है ना तो चा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, क्या हो जाता है, लोप। परिच्छेद, अनुच्छेद, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। इसमें से कौन सा अयाध्य स्वर संधि है, अयाध्य स्वर संधि है नायक, क्या है, नायक। अनुधन एषण, मैंने बताया था या और वा के पहले आधा आए कुछ, क्या है, आधा, तो वो क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि, तो ये तो क्या है, यण स्वर संधि। अगर दो दो मात्रा आ जाए तो वृद्धि, दो पे क्या हो जाती, वृद्धि, तो वृद्धि स्वर संधि है ये, और इसमें क्या हो जाएगा, अयाधि हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है नीता कपड़े धोती है, नीता क्या धोती है, तो आंसर आ रहा है आपका कपड़े धोती है, तो क्या हो गई, सकर्मक हो गई, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है नीता धोती है, नीता धोती है, तो फिर तो कौन धोती है, तो नीता धोती है, फिर क्या हो जाती है, अकर्मक हो जाती है। अगर ऐसे आता कि नीता धोती है तो क्या हो जाता है इसका आंसर, अकर्मक। नाम धातु होता है हत्याना, बतियाना, लतियाना, ठीक है। और एक होता है प्रेरणार्थक,
मैंने मोहन से पत्र लिखवाया, मैंने मोहन को जगवाया, इस तरीके से लिखवाना करवाना जो आते हैं वो प्रेरणार्थक में आते हैं। ठीक है, एक होता है पूर्वकालिक, यही तीन बहुत पूछे जाते हैं आपके क्रिया के अंदर। पूर्वकालिक होते हैं, मैं खाना खाकर पढ़ने बैठा, मैं टीवी देखकर सोने गया। ठीक है, याद रखना। दूध वाला, दूध वाले में दूध प्लस बाला, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक। और जितने भी यौगिक होते हैं ये सब किसके, तत्पुरुष, तत्पुरुष के एग्जाम्पल होते हैं। योग रूढ़ किसके एग्जाम्पल होते हैं आपके, ये बहुव्रीहि के एग्जाम्पल होते हैं। जितने भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है, अगर बहुव्रीहि का एग्जाम्पल है ना, तो वो योग रूढ़ होगा, जैसे दशानन, चतुरानन, और आपका त्रिनेत्र और नीलकंठ, ये सब। और रूढ़ क्या होते हैं, जिनका कोई अलग अलग मतलब नहीं निकलता। नाक लिख दिया, जैसे ना प्लस क, कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा। और कान लिख दिया, का प्लस न, कोई मतलब निकल रहा, नहीं निकल रहा। अलग अलग जो अलग अलग करने पर मतलब न निकले, वो तो वो हो जाते हैं रूढ़। इन चीज़ों को याद रखना। और संकर कौन से होते हैं, संकर होते हैं दो अलग अलग भाषाओं से मिले हुए शब्द, जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। रेल इंग्लिश का है और गाड़ी अलग भाषा का है, तो रेलगाड़ी क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है लास, किस भाषा का शब्द है, लास है तुर्की भाषा का, किसका है, तुर्की भाषा का, तो इसे याद रख लेना। और लास से याद आता है शमशान, शमशान इस तरीके से लिखते हैं बहुत सारे लोग ना, इसमें ये डंडा, ये डंडा अगर आपने लगा दिया तो अब ये गलत हो जाएगा, शमशान इस तरीके से लिखा जाएगा शुद्ध, तो लिखना सीख लेना। और चीनी भाषा के क्या है, चाय और लीची, लीची याद रखना। फारसी के क्या है, मोजे, मोजे फट गए थे ना उस दिन, याद कराया था मोजे। ठीक है, तो इसे मोजे को लिख लेना इसमें। और पुर्तगाली थोड़ा सा लिख लो, पुर्तगाली होगा तम्बाकू, तम्बाकू और गमला, आलपिन, ठीक है, और अलमारी, अलमारी और चाबी, ये सब किसके हैं, पुर्तगाली के। और इसका जापान का है, जापानी शब्द है रिक्सा। और सायुनारा और एक, ठीक, उसे और याद रख लेना। इसी के साथ ही प्रैक्टिस समाप्त हुआ, लाइक कर देना प्लीज़, शेयर कर देना दोस्तों में, हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।